वाटर ट्रीटमेंट में स्क्रीनिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप आती है प्री क्लोरिनेशन, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जो हमारे मजदूर और जो इंजीनियर्स काम करते हैं, और अगर हमारा वाटर जो है वो ज़्यादा ही प्रदूषित है तो वो लोग बीमार हो सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे वाटर में बहुत ज़्यादा मात्रा में बैक्टीरिया एल्गी है, ठीक है, तो उससे क्या हो सकता है कि हमारे जो एम्प्लॉई है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में काम करने वाले वो बीमार हो सकते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, पानी को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भेजने से पहले उसमें क्लोरीन डाल देते हैं, और इस प्रोसेस को हम प्री क्लोरिनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं प्री क्लोरिनेशन। इट इज ए प्रोसेस ऑफ इंजेक्टिंग क्लोरीन इनटू रॉ वाटर व्हेन इट इज नॉट सो टर्बिड, ठीक है। क्या है प्री क्लोरिनेशन? इट इज ए प्रोसेस ऑफ इंजेक्टिंग क्लोरीन इनटू रॉ वाटर, ठीक है। रॉ वाटर का मतलब होता है जिसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया है, तो ये क्लोरीन को इंजेक्ट करने का प्रोसेस है रॉ वाटर में, ठीक है। व्हेन इट इज नॉट सो टर्बिड, ठीक है। एक मैं बात बता दूं कि अगर हमारा जो वाटर है वो बहुत ज्यादा टर्बिड है तो हम प्री क्लोरिनेशन नहीं करते हैं, क्योंकि उस केस में प्री क्लोरिनेशन इफेक्टिव नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता है, देखो मैं बताता हूं। टर्बिड का मतलब क्या होता है? टर्बिड का मतलब होता है धुंधलापन या फिर गंदगी। और गंदगी कब होती है? जब वाटर में बहुत ज्यादा सिल्ट पार्टिकल हो। सिल्ट पार्टिकल मतलब मिट्टी के छोटे छोटे पार्टिकल्स, ठीक है। तो देखो जैसे कि ये हमारा वाटर है, ठीक है, और ये बहुत ज्यादा टर्बिड है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा टर्बिड है यानी कि बहुत ज्यादा गंदा है, ठीक है। अब देखो इसमें अगर बैक्टीरिया भी होंगे, ठीक है, प्री क्लोरिनेशन हम क्यों कर रहे हैं? बैक्टीरिया और एल्गी को मारने के लिए तो कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो टर्बिड है इसका मतलब क्या है, इसमें सिल्ट सिल्ट की मात्रा ज्यादा है, ठीक है। अगर सिल्ट की मात्रा ज्यादा होगी मिट्टी की तो ये टर्बिड होगा ना, ठीक है। तो देखो जो सिल्ट के पार्टिकल्स होते हैं, मैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पर बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना, सिल्ट का पार्टिकल कुछ ऐसा होगा, ठीक है, और कोई बैक्टीरिया होगा, ठीक है, मान लो कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, वो इस सिल्ट के पार्टिकल में या कोने में आके छुप के बैठ गया, ठीक है। फिर हमने डाल दी इसमें क्लोरीन, ठीक है, तो क्लोरीन तो इस बैक्टीरिया तक पहुंच ही नहीं पाएगी ना, ये तो बेटा आराम से यहाँ पर घुस गया, ठीक है, आगे निकल जाएगा ये तो इसलिए अगर हमारा वाटर जो है वो बहुत ज्यादा टर्बिड है तो उस केस में हम प्री क्लोरिनेशन नहीं करते हैं, क्योंकि प्री क्लोरिनेशन इफेक्टिव ही नहीं होता है, बैक्टीरिया तो बच बच के निकल जाएगा इस सिल्ट पार्टिकल के आड़ में, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है व्हेन इट इज नॉट सो टर्बिड, अगर हमारा पानी जो है बहुत ज्यादा टर्बिड नहीं है तभी हम प्री क्लोरिनेशन अप्लाई करते हैं। और क्यों करते हैं? ताकि उसके अंदर जो बैक्टीरिया और एल्गी अगर हाई अमाउंट में है तो वो मर जाए, और हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जो मजदूर काम कर रहे हैं वो बेचारे बीमार ना पड़े, ठीक है। तो देखो When chlorine is added in water before its treatment is called pre-chlorination, and when chlorine is added after treatment of water, then it's called post-chlorination. ठीक है, अगर हम water में उसके treatment से पहले हम chlorine add कर रहे हैं तो उसको हम pre-chlorination बोलते हैं, ठीक है, और further आगे, ठीक है, आगे फिर अगर हम treatment के बाद उसमें chlorine add कर रहे हैं तो उसको हम post-chlorination बोल रहे हैं, ठीक है। अगर हमने पहले क्लोरीन ऐड कर ली है और फिर और क्लोरीन ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो ट्रीटमेंट के बाद और ऐड कर रहे हैं तो उसको हम पोस्ट क्लोरिनेशन बोलेंगे, ठीक है। और अगर हमने पहले क्लोरीन ऐड नहीं किया है और ट्रीटमेंट के बाद उसमें क्लोरीन ऐड कर रहे हैं तो उसको हम पोस्ट क्लोरिनेशन नहीं बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, डिसइंफेक्शन बोलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है व्हाई प्री क्लोरिनेशन इज डन, ठीक है, कि प्री क्लोरिनेशन क्यों किया जाता है, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जो एम्प्लॉई है वो बीमार पड़ जाते हैं, इसीलिए हम पहले ही क्लोरीन ऐड कर देते हैं ताकि जो हाई अमाउंट में एल्गी और बैक्टीरिया है वो मर जाए, ठीक है। तो देखो इफ हाई अमाउंट ऑफ एल्गी एंड बैक्टीरिया, एल्गी का मतलब होता है कांजी, ठीक है, वो नीली नीली होती है ना, वो इफ हाई अमाउंट ऑफ एल्गी एंड बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन वाटर देन देयर इज चांसेस ऑफ गेटिंग सिक ऑफ वर्कर्स हु एम्प्लॉयड इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सो टू अवॉइड दिस फिनोमेना प्री क्लोरिनेशन इज डन बिकॉज ऑफ प्री क्लोरिनेशन किल्स द एल्गी एंड बैक्टीरिया, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि अगर हाई अमाउंट में एल्गी और बैक्टीरिया प्रेजेंट है वाटर में तो यहाँ पर जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयड हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, वो बीमार हो सकते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, इस फिनोमिना को रोकने के लिए हम प्री क्लोरिनेशन करते हैं बिकॉज ऑफ प्री क्लोरिनेशन, क्योंकि प्री क्लोरिनेशन क्या करता है, एल्गी और बैक्टीरिया को मार देता है, ठीक है। यहाँ पर नोट ध्यान रखना, प्री क्लोरिनेशन इज नॉट इफेक्टिव इन highly turbid water, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि वो बैक्टीरिया सिल्ट पार्टिकल की आड़ में बच के निकल जाएगा, इसलिए प्री क्लोरिनेशन जो है वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं है अगर हमारा वाटर जो है वो हाईली टर्बिड है, ठीक है ना। तो प्री क्लोरिनेशन के बाद नेक्स्ट जो स्टेप आती है हमारी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में वो आती है एरेशन, ठीक है। वाटर के ट्रीटमेंट में हमने स्क्रीनिंग देख ली, प्री क्लोरिनेशन देख लिया, अब हम बात करते हैं एरेशन की। एरेशन में हम क्या करते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था, एरेशन में हम पानी को हम ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में लेके आते हैं, ठीक है। तो देखो
एरेशन इज ए प्रोसेस इन विच वाटर इज ब्रोट इन इंटीमेट कॉन्टेक्ट विथ ऑक्सीजन. इंटीमेट का मतलब होता है फिजिकल कॉन्टेक्ट, ठीक है. तो एरेशन इज ए प्रोसेस इन विच वाटर इज ब्रोट इन इंटीमेट कॉन्टेक्ट विथ ऑक्सीजन, यानी कि पानी को ऑक्सीजन के फिजिकल कॉन्टेक्ट में लेके आया जाता है, ठीक है. हम क्या करते हैं, पानी को उछालते हैं हवा में. वो जरूरी नहीं उछालें, कैसे भी कर सकते हैं, आगे हम पढ़ेंगे. तो यहाँ पर भी क्वेश्चन बनता है, वाई डू वी डू एरेशन, हम एरेशन क्यों करते हैं, पांच नंबर का क्वेश्चन बनता है भाई. तो देखो, एरेशन रिमूव्स अनडिजायरेबल गैसेस ऑर्डर लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड ईटीसी. एरेशन क्या करता है, जो अनडिजायरेबल गैसेस होती हैं या फिर जो गंध होती है, बदबू होती है, उनको रिमूव कर देता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड. ये दोनों अनडिजायरेबल गैसेस हैं, ये हमें पानी में नहीं चाहिए, तो जब हम एरेशन करेंगे तो ये गैसे रिमूव हो जाएगी, ठीक है. नेक्स्ट देखो, एरेशन रिमूव्स मेटेलिक कंपाउंड्स लाइक आयरन Fe2+ एंड मैग्नीज Mn2+, ठीक है. एरेशन क्या करता है, जो मेटेलिक कंपाउंड होते हैं आयरन और मैग्नीज, उनको वाटर से रिमूव करता है, ठीक है. ध्यान रखना, पानी में आयरन और जो मैग्नीज होते हैं, आयरन Fe2+ की फॉर्म में रहता है, आयंस की फॉर्म में रहता है, और मैग्नीज Mn2+ की फॉर्म में रहता है, ठीक है. तो ये इक्वेशन है कि किस तरह से रिमूव करता है. देखो, 4 Fe2+ प्लस ऑक्सीजन प्लस TnH2O, ठीक है. फिर हमने इसका एरेशन कराया तो 4 FeOH3+ 8H+, ठीक है. ये इक्वेशन देख लेना, याद नहीं रहेगी, मुझे पता है, मुझे भी नहीं रहती, तुम लोगों को क्या रहेगी. 2 Mn2+ प्लस O2+ 2H2, फिर ये 2 Mn2+ प्लस 4H+, ठीक है. तो दिस प्रोसेस इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ वाटर, ठीक है. इक्वेशन याद ना रहे ना रहे, इक्वेशन लिखने का मतलब क्या था, कि मैं ये बता रहा था कि एरेशन के प्रोसेस में क्या होता है, वाटर की एसिडिटी बढ़ जाती है. वो देखो, ये इक्वेशन आई, ठीक है. ये देखो, ये तो रिमूव हो गया, ठीक है. ये यहां पर भी ये रिमूव हो गया, लेकिन ये जो 8H+ है, H+ आयन आ रहा है ना, यानी कि ये एड हो रहा है, H+ आयन, इसमें 8H+ एड हो रहा है और इसमें 4H+ एड हो रहा है, यानी कि वाटर की एसिडिटी बढ़ रही है. तो एरेशन के प्रोसेस के दौरान क्या होता है, वाटर की एसिडिटी बढ़ जाती है. तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट देखो, एरेशन कैन ऑल्सो रिमूव वोलेटाइल लिक्विड्स लाइक फिनोल्स एंड ह्यूमिक एसिड. एरेशन क्या करता है, जो वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं, जैसे कि फिनोल्स और जो ह्यूमिक एसिड्स होते हैं, उनको भी रिमूव कर देता है, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट देखो, इट इज आल्सो यूज्ड टू एड ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस लाइक ऑयल्स, डीकंपोजिंग प्रोडक्ट्स ऑफ एल्गी ईटीसी. ये क्या करता है, आल्सो यूज टू एड ऑक्सीजन, ठीक है. ऑक्सीजन को एड करने में भी यूज होता है, ठीक है, फॉर ऑक्सीडेशन. किस लिए, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है अपचयन, ठीक है. ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ना, एक तरह से खाना, ठीक है, एक तरह से पचाना. ऑक्सीडेशन का मतलब यू समझो, पचाना, ठीक है. ऑक्सीडेशन ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंस लाइक ऑयल्स, डीकम्पोजिंग प्रोडक्ट्स ऑफ एल्गी ईटीसी, ठीक है. जो एल्गी का जो डीकम्पोजिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं, इनको क्या करता है, ऑक्सीजन पचा देता है, या फिर तुम तो रिमूव लिखो तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पर इस तरह से लिखना, इट इज आल्सो यूज्ड टू ऐड ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस लाइक ऑयल्स एंड डीकम्पोजिंग प्रोडक्ट ऑफ एल्गी ईटीसी, ओके. और यहाँ पर एक नोट ध्यान रखना, ठीक है. ग्राउंड वाटर नीड मोर एरेशन देन सरफेस वाटर बिकॉज ऑफ सरफेस वाटर इज ऑलरेडी इन कॉन्टेक्ट विद एटमोस्फेयर, ठीक है. ग्राउंड वाटर को एरेशन की ज्यादा जरूरत पड़ती है सरफेस वाटर की तुलना में, क्योंकि सरफेस वाटर तो ऑलरेडी ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में ही रहता है, ठीक है. तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, इनको याद कर लो. ये जो पॉइंट्स है, ये ऑब्जेक्टिव में भी काम आते हैं और हमारे सब्जेक्टिव में भी काम आते हैं, ठीक है. इनको अगर आप पॉइंट्स बना बना के लिखोगे, ठीक है, तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव की तैयारी हो जाएगी और सब्जेक्टिव की भी तैयारी हो जाएगी, ठीक है. और इससे क्या होगा कि हमको बड़े बड़े पैराग्राफ भी नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है. तो इनको याद रखना. इस पे एरेशन पर अगर क्वेश्चन आया तो सिंगल सिंगल आएगा, तो पांच पांच नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं इनसे. तो ये पॉइंट बना बना के आराम से एक दो पेज तो भर दो, एक दो पेज के आधा पेज भरोगे पांच नंबर के क्वेश्चन में, और क्या. नेक्स्ट हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ एरेशन के बारे में, ठीक है, कि एरेशन करने के क्या क्या मेथड है, ठीक है. हम पढ़ेंगे कि वाटर को किन किन मेथड से हम ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में लेके आ सकते हैं. पहला मेथड है स्प्रे नोजल एरेटर, दूसरा आता है कैस्केड एरेटर, तीसरा है डिफ्यूज्ड एयर एरेटर, चौथा है ट्रिकलिंग बेड और ट्रेड टावर एरेटर, ठीक है. तो देखो, वाटर को ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में लाने के लिए हम एरेटर यूज करते हैं, ठीक है. एरेटर एक तरह का उपकरण है जिसकी मदद से हम पानी को ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में लेके आते हैं. तो यहाँ पर एरेटर की टाइप देखो, एक स्प्रे नोजल एरेटर होता है, एक कैस्केड एरेटर होता है, एक डिफ्यूज एयर एरेटर होता है, और चौथा होता है ट्रिकलिंग बेड और ट्रेड टावर एरेटर, ओके. सबसे पहले पढ़ते हैं हम स्प्रे नोजल एरेटर के बारे में, ठीक है.
तो देखो जो स्प्रे नोजल एरेटर होता है ठीक है, उस वो कार्बन डाइऑक्साइड को 90% तक रिमूव कर देता है और हाइड्रोजन सल्फाइड को 99% तक रिमूव कर देता है ठीक है। तो देखो द एफिशिएंसी ऑफ स्प्रे नोजल एरेटर टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड इज 90% एंड हाइड्रोजन सल्फाइड इज 99% ठीक है। इसकी जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने की जो एफिशिएंसी है वो 90% है और हाइड्रोजन सल्फाइड को रिमूव करने की जो एफिशिएंसी है वो 99% है। यह सबसे उत्तम एरेटर है ठीक है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को 90% रिमूव कर रहा है और हाइड्रोजन सल्फाइड को 99% तक रिमूव कर रहा है ठीक है। तो इसमें इस टाइप से अरेंजमेंट होता है, यहाँ से पानी आता है ठीक है, और यहाँ पर ये पाइप लगा होता है ठीक है, पाइप पर ये नोजल्स लगे होते हैं और फिर ये इसमें पानी को स्प्रे करते हैं ठीक है। देखो कैसा होता है, मैं दिखा देता हूँ। ये देखो ये है हमारा स्प्रे नोजल एरेटर ठीक है, ये पाइप है, इस पर नोजल्स लगे होते हैं, ये नोजल्स हैं, नोजल्स इसमें हम पानी को स्प्रे करते हैं ठीक है। पानी को हम स्प्रे करेंगे तो ये ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आ जाएगा ठीक है, जाहिर सी बात है नाम से स्पष्ट हो रहा है स्प्रे नोजल एरेटर, यानी इस पर ये नोजल लगे होंगे और उसमें हम पानी को स्प्रे करेंगे ठीक है। स्प्रे नोजल एरेटर के बाद नेक्स्ट एरेटर आता है कैस्केड एरेटर ठीक है। इट रिमूव्स 20-45% कार्बन डाइऑक्साइड एंड 35% हाइड्रोजन सल्फाइड। ये क्या करता है, 20-45% कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करता है और 35% तक हाइड्रोजन सल्फाइड रिमूव कर देता है। इट इज ए चीप एंड इकोनॉमिकल सो इट इज मोस्टली यूज्ड। ये चीप है, सस्ता है, इकोनॉमिकल है, इसलिए इसको हम ज्यादातर यूज करते हैं। स्टेप्स ऑफ कैस्केड एरेटर इज मेड ऑफ आरसीसी एंड नो मेंटेनेंस रिक्वायर्ड। इसके जो स्टेप्स होते हैं ठीक है, सीढ़ियां जो होती है वो आरसीसी की बनी हुई थी और इनका कोई मेंटेनेंस रिक्वायर्ड नहीं होता है। देखो ये ऊपर से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा और ये इसका क्रॉस सेक्शन है, इस टाइप से दिखेगा। देखो मैं दिखाई देता हूँ किस स्टेप्स का होता है। ये देखो ये हमारा है कैस्केड एरेटर ठीक है, इसमें ये स्टेप्स होती हैं इस टाइप से ठीक है। तो इसमें पानी आता है तो जाहिर सी बात है इसमें क्या है, सीढ़ी तो बनानी है, सस्ता है ठीक है, इकोनॉमिकल है, तो इसलिए ज़्यादातर यही यूज में लिया जाता है ठीक है। ये हमारा कैस्केड एरेटर, ये पानी आ रहा है सीढ़ियों से गिर रहा है, इसका सेक्शन दिखा रखा है ठीक है। और ये वाला देख लो, इससे अच्छा समझ में आएगा, ये होता है हमारा कैस्केड एरेटर ठीक है। ये आपने पार्क वार्क में भी देखा होता है, वो एरेटर नहीं होता है, वो तो फुहारा होता है, लेकिन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भी हम इसी तरह एयर के कॉन्टेक्ट में लेके आते हैं पानी को ठीक है। तो ये पानी आता है यहाँ से पाइप से और ये गिरता रहता है, गिरता रहता है, गिरता रहता है ठीक है। तो बस ये एक तरीका है पानी को ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में लेके आने का, तो ये इसको बोलते हैं हम कैस्केड एरेटर ठीक है। अब इसमें पॉइंट लिख दो, ये चीप और इकोनॉमिकल है, जाहिर सी बात है आरसीसी का बने होते हैं स्टेप्स, बस 2-3 पॉइंट ऐसे घुमा फिरा के लिख देना, इसका प्लान है, ये क्रॉस सेक्शन है। नेक्स्ट टाइप का जो एरेटर आता है वो आता है डिफ्यूज्ड एयर एरेटर ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, पानी को टैंक के नीचे एक एरेटर लगाते हैं डिफ्यूज, जिससे हम एयर कंप्रेस करते हैं। देखो किस टाइप से करता है, इन दिस एरेटर वाटर एब्जॉर्ब्स ऑक्सीजन फ्रॉम कंप्रेस्ड एयर एंड कलर ऑर्डर एंड टेस्ट आर रिमूव्ड। इस एरेटर में क्या होता है, वाटर ऑक्सीजन को किससे रिमूव कर, किससे ऑक्सीजन को किससे लेता है, कंप्रेस्ड एयर से ठीक है। इन दिस एरेटर वाटर एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम कंप्रेस्ड एयर एंड कलर ऑर्डर एंड टेस्ट आर रिमूव्ड। देखो कैसा होता है, मैं दिखाता हूं, ये इस टाइप का एरेटर होता है ठीक है। ये मतलब कि हम नीचे से देख रहे हैं टैंक में, इस टाइप का डिफ्यूजर लगे होते हैं ठीक है। यहाँ से इसको तरह से पेंदे से हम क्या करते हैं, नीचे से एयर को कंप्रेस करते हैं पानी में ठीक है, इस टाइप से। ये देखो ये टैंक के नीचे, मैं टैंक के नीचे की बात कर रहा हूँ, टैंक में के नीचे क्या होता है, इस टाइप के ये एयर डिफ्यूजर लगे हुए होते हैं ठीक है। इससे ये तो खाली है ना, जब टैंक खाली है तब का फोटो है ठीक है। फिर इसमें क्या करते हैं, पानी भर देते हैं ठीक है, और फिर ये जो डिफ्यूजर लगे होते हैं इससे हवा जाती है ठीक है, एयर एयर कंप्रेस होती है वाटर में। ये और देखो इस टाइप से ये डिफ्यूजर लगे हुए हैं ठीक है ना। अब देखो जाहिर सी बात है यहाँ पर एक पॉइंट तो हम लिख सकते हैं, इट इज ए कॉस्टली, ये महंगा होता है। ये सस्ते महंगे वाले पॉइंट्स ना हर जगह काम आते हैं ठीक है। तो जाहिर सी बात है इतना बड़ा अरेंजमेंट करने के लिए ये महंगा ही होगा ना, तो ये महंगा है ठीक है। और जाहिर सी बात है महंगा है तो कुछ फायदा भी देता होगा, तो जनरली क्या होता है ये हमारा किस लिए यूज होता है ज्यादातर, वाटर से कलर ऑर्डर जैसे इसको रिमूव करना हो उसके लिए ठीक है। काम सेम है लेकिन इसका थोड़ा अच्छा होता होगा तभी तो हमने ये अरेंजमेंट किया है, वरना कैस्केड एरेटर है ही, उसे काम सस्ते में हो रहा है, हम क्यों इसकी ओर जाएं ठीक है। तो इसकी एफिशिएंसी कुछ ज्यादा होती है ठीक है ना। तो डिफ्यूज एरेटर समझ में आ गया, इसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज एयर डिफ्यूजर बोलते हैं ठीक है। इसको हम इससे हम एयर को कंप्रेस करते हैं वाटर के अंदर ठीक है। तो देखो इन दिस एरेटर वाटर एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम कंप्रेस्ड एयर एंड कलर ऑर्डर एंड टेस्ट आर रिमूव्ड ओके। इट इज आल्सो कॉस्टली ठीक है, यहाँ पर इनलेट होता है, ये नोजल है इसका, यहाँ से हम कंप्रेस्ड एयर कर रहे हैं ठीक है,
यहाँ पर ये लगा हुआ है डिफ्लेक्टर प्लेट, यहाँ पर लगी हुई है ये आउटलेट है, ये यहाँ पर डिफ्यूजर है, ठीक है, ये एयर डिफ्यूजर लगे हुए होते हैं, ठीक है। तीन एरेटर हो गए हमारे। चौथा जो एरेटर आता है वो आता है ट्रिकलिंग बेड ओवर ट्रेड टावर एरेटर, ठीक है। पहले इसकी पिक देख लो, ये कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है। इसमें देखो यहाँ पर ये एक रोटेटिंग आर्म होती है जिस पर नोजल्स लगे होते हैं, ठीक है, और ये यहाँ पर कोक बेड होता है, यानी कोयले का बेड होता है, ठीक है, कोक बेड होता है। इस पर क्या करते हैं, ये वाटर इस टाइप से स्प्रे होता है, ठीक है, और फिर नीचे से कलेक्ट कलेक्ट हो जाता है ये, ठीक है। इस पिक्चर में भी देख लो, ये घूमता रहता है, रोटेटिंग करता रहता है, ठीक है। तो देखो ट्रिकलिंग बेड ओवर टावर एरेटर क्या होता है, दिस इज ए मोस्टली यूज फॉर रिमूवल ऑफ एफी एंड एमन, यानी कि ये किसके लिए यूज होता है, आयरन और मैग्नीज को रिमूव करने के लिए मोस्टली यूज होता है, ठीक है, ये इसकी खासियत है। दिस इज ए मोस्टली यूज फॉर रिमूवल ऑफ आयरन एंड मैग्नीज, ठीक है। दिस मेथड इज वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और उसमें भी मोस्टली ये मोस्ट इफिशियंट मेथड है कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए, ठीक है। दिस मेथड इज यूज इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वेयर डिस्चार्ज इज लेस, और इस मेथड को हम कहां पर यूज करते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे यूज करते हैं जहां पर डिस्चार्ज जो है वाटर का डिस्चार्ज वो बहुत कम हो, ठीक है। ये देखो जैसा कि मैंने बताया था यहाँ पर इनलेट है, ठीक है, यहाँ पर कोक बेड है, ठीक है, और ये रोटेटिंग आर्म है, यहाँ पर स्प्रे नोजल लगे हुए हैं, ठीक है, और ये यहाँ पर आउटलेट आउटलेट है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिकलिंग बेड और ट्रेड टावर एरेटर, ठीक है। द एफिशिएंसी ऑफ ट्रिकलिंग बेड एरेटर इज हायर देन कैस्केड एरेटर एंड लेस देन स्प्रे नोजल एरेटर, ठीक है। इस एरेटर की जो एफिशिएंसी होती है, ठीक है, वो देखो कैस्केड एरेटर से तो ज्यादा होती है, ठीक है, और लेकिन जो स्प्रे नोजल एरेटर होता है ना उससे थोड़ी कम होती है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं ट्रिकलिंग बेड एरेटर के बारे में, तो लिख देना बना बना के कि ये मोस्टली यूज होता है आयरन और मैग्नीज को रिमूव करने के लिए, और ये मोस्ट इफिशियंट मेथड है कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए, ठीक है, और इस मेथड को हम स्मॉल स्केल पे यूज करते हैं, ठीक है, जहां पर डिस्चार्ज कम हो, ठीक है ना। और लिख देना कि इसकी इफिशियंसी जो होती है, ठीक है, ट्रिकलिंग बेड एरेटर की जो इफिशियंसी होती है वो कैस्केड एरेटर से तो ज्यादा होती है और स्प्रे नोजल एरेटर से कम होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे सेडिमेंशन, ओके।